हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर 10 के अंदर ये बताऊंगा कि ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल हम आप टेक्स्ट के साथ कैसे करेंगे, कैसे ड्रॉप शैडो टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप एक टेक्स्ट दिखाता हूं आपको, ये गौतम लिखा हुआ है, देखें पीछे, देखें पीछे में ड्रॉप शैडो, टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप शैडो, पीछे में शैडो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये शैडो। इस तरह कैसे हम बनाएंगे इस तरह का टेक्स्ट, ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल हम कैसे अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर 10 के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप टूल बॉक्स में जाएं, टूल बॉक्स में देखें टेक्स्ट है, ये है टाइप टूल है, टाइप टूल जिसे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, इस पर क्लिक करें और पेज आर्ट बोर्ड पे जिस जगह आपको टेक्स्ट टाइप करना है वहां लाकर क्लिक कर दें। मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद टेक्स्ट टाइप करें, मैंने टाइप किया GAUTAM, गौतम टाइप किया। करने के बाद अभी भी देखें यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसे अगर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, तो इसे सिलेक्ट करना होता है। अब इस कर्सर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टूल बॉक्स में यहाँ पे जाना होगा, इसे सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखें एक आउटलाइन, एक अलग चारों तरफ से एक आउटलाइन आ जाएगा। आप इसे इस तरह कॉर्नर पोर्शन पे लाके इस तरह ड्रैग करके इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, ये देखें। करने के बाद अब जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि इसके पीछे हमें ड्रॉप शैडो अप्लाई करना है इस टेक्स्ट के साथ, तो उसके बाद क्या करें, यहाँ मेन्यू बार में जाएं, यहाँ देखें फिल्टर, फिल्टर के बाद यहाँ देखें स्टाइल्स, यहाँ पे आएं, उसके बाद ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करें, ड्रॉप शैडो का एक विंडो आ जाएगा, इस तरह खुल जाएगा, पैलेट खुल जाएगा। यहाँ ऑप्शन है, मोड है, यहाँ पे बेस्ट है ये डार्केन कर दें, चाहे तो आप यहाँ से सॉफ्ट लाइट भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने यूज किया डार्केन। ऑपसिटी जो शैडो क्रिएट करें उसका मतलब लाइट चाहिए कि ज़्यादा डीप चाहिए, यहाँ से आप ऑपसिटी बढ़ा सकते हैं, और ऑफसेट 9 पॉइंट रखिए, 7 पॉइंट नीचे रखिए, ब्लर 5 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे कलर है, किस तरह का शैडो आपको चाहिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करें, या इसको ऑन कर देगा, ऑन नहीं है तो उसके बाद इस पर क्लिक करें, यहाँ से कलर चेंज करना होगा तो मैंने चूज़ किया यहाँ से येल्लो, ये मैंने ग्रीन चूज़ किया, यहाँ से मैंने ग्रीन चूज़ कर लिया। करने के बाद ये देखें नीचे सेप क्रिएट सेपरेट शैडो, इसे ऑन कर दें, इसे ऑन रखें, नहीं तो क्या होगा, आप जब टेक्स्ट को आप मूव कीजिएगा तो शैडो अलग हो जाएगा, तो इसे ऑन कर दें, उसके बाद ओके पे क्लिक करें। ये देखें पीछे, देखें ये शैडो मेरा आ गया, ये देखिए टेक्स्ट के साथ मेरा शैडो आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे टेक्स्ट पे हम ड्रॉप शैडो यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।